मथुरा की गोवर्धन तहसील के अंतर्गत राधाकुंड में राधारानी कुंड का हाल बद से बदतर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा कुंड के पास बैठना भी बमुश्किल हो गया है। कुंड के पानी से आने वाली गंदगी सरकार की हकीकत को बयां कर रही है। हम आपको बता दें कि एक महापुर विश्व विख्यात अहोई अष्टमी मेले पर इसी कुंड में नगर पंचायत राधा कुंड की चलती लापरवाही के कारण लाखों श्रद्धालुओं ने गंदे जल में स्नान किया था, मगर आज उस जल की पोजीशन इन वीडियोस को देखकर आप खुद लगा सकते हैं क्या यह राधा रानी कुंड का जल आचमन एवं स्नान योग्य है। वहीं इस कुंड को गंदा देख श्रद्धालु भी उदास नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। इस गंदे पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई बार अखबारों में न्यूज में निकाल दी है, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है। पानी इतना गंदा हो चुका है, आचमन छींटा लेने के लायक नहीं है। यहाँ जो है स्मेल इतनी आ रही है कि बैठना भी दुश्वार हो रहा है प्रदेशियों को। जी तो प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार सैंपल भी जा चुके हैं यहाँ से, कई बार न्यूज में और उसमें भी खबर आ चुकी है, लेकिन कोई इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। आप ही देख रहे हो क्या हालत है। जैसा कि यहाँ अहोई अष्टमी विश्व विख्यात मेला भी हुआ था, उसमें भी कोई ध्यान नहीं दिया गया? कोई भी ध्यान नहीं दिया गया।